तो ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि घूमने के लिए मन ज़रूरी होता है। आज आपको कलकत्ता से ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे की दूरी पर एक ऐसी लोकेशन लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पर आप फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं और थोड़ा डर का सामना भी कर सकते हैं। और डर का सामना मैंने इसलिए बोला क्योंकि जगह थोड़ा भूतिया है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपडेट किया था कि 2 लोकेशन में मेरा जाने का प्लान था। उसमें से एक था तारापीठ, जो दोस्त ने टांग दे दिया, और दूसरा है जिस लोकेशन पर अपने जा रहे हैं। लोकेशन पर जाकर भी आपको बताऊँगा क्या है, जुड़े रहे उस वीडियो में तो आगे पता लगता रहेगा। और रूट लिए हैं अपने वाया बनगांव। एक्सीडेंट करके आया ट्रक वाला। तो ट्रक वाले भाई साहब थोड़ा एक्सीडेंट करके आए थे, चेज़ करना पड़ गया 2-3 लोगों को, बट ठीक है, पकड़ लिया उसको। ये छोटा रास्ता होने का यही एक तकलीफ़ है, बाकी इस रास्ता में कोई तकलीफ़ है नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, ज़्यादा चौड़ा है नहीं ये रास्ता। उस चक्कर में क्या है कि जिसके पहले भी क्लिप में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग आ करके बीच, मतलब राइट साइड में चलने वाले लोग लेफ्ट में आ रहे हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने वाला पीक पीक करके, अब देखो सिंगल लेन है तो उतना तो तकलीफ़ होगा, लेकिन भाई वो साइकिल वाला का तो दिखा नहीं पाया, बट क्या बोले, मतलब साइकिल का चटनी निकल गया था, आदमी बच गया लेकिन साइकिल का पूरा बैंड बच गया था। चलो ठीक है, एक अच्छा काम हुआ, पकड़ तो लिए ट्रक वाला को। एंड ऑफ द डे इतना छोटा रास्ता में जाएगा कहाँ इतना बड़ा ट्रक। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड टाइम मैं इस रूट से जा रहा हूँ, लेकिन हर बार एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ के जितने भी पेड़ हैं, बारिश हो गई थी, यहाँ के जितने भी पेड़ हैं सारे के सारे, मतलब इतने फैट डाया में हैं कि क्या बताऊँ, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप। अभी एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ आपको, रेनकोट खोल ले खाली। बुलेट वाला लोग कभी सुधरेगा नहीं, बड़बड़ बड़बड़। यहाँ का पानी का असर है कि क्या चीज़ का असर है, अभी आप लाइन से देखते जाना, जितने भी पेड़ देखेंगे सारे इतने मोटा डाया में, मतलब जनरली कोई भी पेड़ होता है वो 5 इंची, 6 इंची, 10 इंची, 12 इंची, ये मतलब ये तो अलग ही कोई ब्रीड का पेड़ है। और कई जगह तो मैंने देखा है कि पेड़ के अंदर में पेड़ उगा हुआ है। तो यही है इस रूट का खासियत, सिंगल लेन तो है बट।
तो फाइनली जिस लोकेशन पे अपने को पहुंचना था अपने पहुंच चुके हैं, और जो पीछे व्यू है वो एक पार्क है, पार्क मतलब वाइल्ड लाइफ पार्क है। बोट से क्रॉस करेंगे थोड़ा देर में, और मेरे सामने जो है, जो अगले 10 सेकंड में आप देखोगे, उसको बोलते हैं नीलकुठी। करीब करीब 225 साल पुराना ये जगह है, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, नीलकुठी। इसका जो मेन बैकग्राउंड है, ये स्टार्ट किया गया था जब इंडिगो कल्टीवेशन होता था, कुछ याद है? हिस्ट्री क्लास में याद ही होगा, तो हिस्ट्री क्लास वापस एक बार देख लेना, अपना छोटा हिस्ट्री चैनल है। तो इंडिगो कल्टीवेशन जब होता था उस समय का ये बना हुआ है, और इस लोकेशन पे इंडिगो कल्टीवेशन होता था। फिर उसके बाद और लोकलाइट से और जब मैंने बात की, उसमें मुझे पता लगा कि कुछ साल पहले तक यहाँ पर एक अनाथ आश्रम चलता था, और अनाथ आश्रम रिसेंट में ही कुछ झगड़ों के वजह से अधरों में रह गया, और जिसका इसके जो ओनर थे सैडली ही पास्ड अवे, एंड ये कंडीशन हो गया इस जगह का। हाँ, ये है, ठंड के मौसम में यहाँ पिकनिक बहुत होता है, प्लस यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी है जिसको आप देख सकते हैं। 1900 कितना साल का है, अगर कोई बंगाली अगर जानता है तो बता देना। 19 तो मेरे को बहुत समझ में आ गया, 193 है शायद या 4 है। 1904 के आसपास, 1900 के आसपास ये बना हुआ स्कूल है जो आज तक इंटैक्ट है। और अब चलते हैं इसके अंदर, थोड़ा स्केरी है क्योंकि ये पूरा खंडर हो चुका है। एक और चीज़, यहाँ अभी तक एक पोस्ट ऑफिस एक्टिव है, और इस लोकेशन पे अगर आना है तो गूगल में मार लेना मंगलगंज पोस्ट ऑफिस, यू विल गेट हियर। क्या चीज का आवाज है पता नहीं, फिर चलते हैं आगे। अंडरग्राउंड जाने का कोई रास्ता है, ट्राई भी नहीं करेंगे, इधर से ऊपर उठते हैं। ऊपर तो कुछ पैसेज है, पूरा खंडर जो है वो देख तो लिया, एक्सप्लोर कर लिया, आप भी देख लिए होंगे। बच गया, रुक जाओ एक सेकंड, धीरे धीरे उतरने दो। और यहाँ से अंदर केव में शायद जा सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क लेऊंगा नहीं क्योंकि इस बार अपने हेलमेट भी नहीं पहने अभी तक। तो नीलकुठी के बारे में ज़्यादा तो और मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा है अगल बगल पूछने पर कि जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उस समय ये प्लेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और काफ़ी लोग यहाँ पर फार्मर और एजिटेशन क्या क्या सब किए थे। तो हिस्ट्री में ये खोया हुआ है एक पन्ना है,
जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब चलते हैं बोट राइड के तरफ। 100 रुपया लेता है, बात किया, 1 घंटा घुमाएगा, 100 रुपया लेगा, तो 100 रुपया 1 घंटा के हिसाब से वर्थ है। चलो चलते हैं, चलते हैं जंगल के थ्रू बोट राइड लेने। पानी का बोतल ले ही लिए। सामने किया चे काका, दवा जाए क्या ना ऊपर बंदो। শুধু একবার দেখে আসলে হবে না ভাই, টেস্ট এসে গেলে আপনার খুব অসুবিধা, তুলে নিয়ে যাবে। কি তুলে নিয়ে যাবে? আপনার নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে ইয়ে করবে। আচ্ছা তাহলে ছেড়ে দাও। ওটা तो 1 घंटे का बोट राइड चालू हो गया है। घड़ी में बज रहे 11:30। इन्होंने बोला रिकॉर्ड कर लेने, भैया हमको टाइम आज लेके आए नहीं है, तो ठीक है, अपने भी इनको बता दिया 11:30 बजा है। पानी तो खास कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन बदबू भी नहीं है, मतलब कि पानी ठीक ही है। और क्या बोलते हो, टाइम लैप्स बनाए क्या? 20% बैटरी है, बनाते हैं। কুটির ব্যাপারে কিছু বলো, কি ছিল আগে নীলকুঠিতে? কি ছিল নীলকুঠিতে? আগে সেই ইংরেজরা নীল চাষ করতো। নীল চাষ করতো? চাষ আমরা দেখিনি। তারপরে ওই যে নীল যে উপরে যে পচাতো যে সব হদগুলো, হ্যাঁ সবগুলো আমরা দেখেছি। আচ্ছা হদ ছিল তো, এখন কোথায় সেসব হদগুলো? সব ভেঙে চুরে মানে পাবলিক সব নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়েছে ঘরটা তাই ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় কত পূর্ণ এই বাড়িটা? ইংরেজি জামানা মানে 100 বছর তে উপরে? হ্যাঁ ওই স্কুলটা 104 বছর 105 বছর করেছে। আচ্ছা 104-105 বছরে স্কুল আছে। হ্যাঁ তাহলে এটা ওর আগে? ওর আগে আর 50-100 সাল তাও হতে পারে। এবার তাহলে তো দু চার একটা বাড়ি ছিল, সে বাড়িটা মানে সব ভেঙে চুড়ে সব নিয়ে গিয়ে ভেঙে চুড়ে নিয়ে চলে গেছে। কিছু নেই তাতে। तो बोट राइड का फर्स्ट लेग तो कंप्लीट हो गया, और पीछे का जो पेड़ देख रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए वीडियो यहाँ पर क्लिप लिया हो। सेकेंड जो मेरा क्या बोलते हैं, सेकेंड जो मेरा यहाँ आने का रीज़न था वो वही है, पहले पेड़ देख लो। ट्री राइट, यहाँ पता नहीं इस एरिया का सारा पेड़ ही इस तरह है कि क्या है, सब बड़ा बड़ा साइज का, ओवर साइज। हाँ कैमरा में हर बार की तरह कैमरा में सब छोटा छोटा दिखता है, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये पेड़। अच्छा लगा तो वीडियो में डाल लिया। और यहाँ आने का सेकेंड रीज़न जो था, दैट वॉज एक कैंप है, अगर वहाँ पर मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर मेरे को लंच मिल सकेगा तो लंच करा देना और आपका जगह भी दिखा देंगे। मेन अट्रैक्शन यहाँ का है नीलकुठी, और सेकंड जो है वो जो कैंप जो मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है मंगलगंज कैंप, पिकनिक मनाने का तो अच्छा जगह है। और एक्चुअली बात हो रही थी इनसे तो बोल रहे थे कि ठंड में आने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अपने क्या है मूड हुआ उठ करके आ गए, तो अच्छा लगा तो आपको दिखा दिया। सेकेंडली चलते हैं वापस और देखते हैं मंगलगंज कैंप में क्या मिलता है। बोट राइड ख़त्म, अब चलते हैं मंगलगंज कैंप, देखें वहाँ क्या दिखा सकते हैं आपको, अच्छी जगह है। सराउंडिंग में एक
बैकपैकर स्कैम जो है, मंगलगंज बैकपैकर स्कैम। तो यहाँ पर आउटिंग करने का अच्छा जगह है। निवार का ये झूला लगा हुआ है और देखें खाने को कुछ मिलता है। तो इनका खाने का बहुत सुना है, इसी बोल करके यहाँ आ गया। अच्छा जगह है, छोटा सा है, स्वीट कोजी और उस टाइप के हट है और ये क्या बोलते हैं टेंट। तो अगर किसी को आना हो तो आ सकता है, फैमिली के साथ आना, पूरा बुकिंग कर लेना। पिकनिक के लिए अच्छा स्पॉट है ये, उसी लिए मैं आया था ये देखने की। अगर फ्यूचर में अगर भाई लोगों के साथ या और किसी भाई बंधुओं के साथ आ सकूँ तो हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है, यहाँ तो चल रहा है तो बॉनफायर भी होता है। आउट ऑफ लक बट जो मुर्गी खाने वाले हैं उन लोग के लिए एक स्पेशल चीज़, दिस इज़ बैम्बू चिकन यहाँ पे बनता है। और इनका जो किचन है टोटली एकदम गांव का स्टाइल में, लकड़ी में ये लोग बनाते हैं खाना। दिखा देता हूँ, बैटरी 2% है। टेंट का लेते हैं 1300 रुपया और रूम का है 1400 रुपया। उसमें 3 टाइम खाना देता है और खाना का कुछ जुगाड़ हुआ नहीं, चलो रास्ता में खाएंगे। इस रूट में एक चीज़ और है, ये देखने में नदी लग रहा है पीछे लेकिन दिस इज़ एन ऑक्सबो लेक। आपने पढ़ा ही होगा दिस इज़ एक्चुअली ऑक्सबो लेक, देख लो। जिस नदी पे अपने बैठ करके बोट राइड ले रहे थे ये उसी का कनेक्टेड है। लेकिन ऑक्सबो लेक बताना जरूरी नहीं है, फिर भी दिस इज एन ऑक्सबो लेक, रुक करके दिखाना था, दिखा दिया। इंटरेस्टिंग जगह है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, बहुत कुछ देखने मिलेगा। It was at this moment that he knew he fucked up. गलती से कर लिए, बनगांव के तरफ नहीं जाकर के चाकदा के तरफ चले गए। और जो घटिया रास्ता मिला है, इतना वाहियात रास्ता, इतना वाहियात रास्ता, सेकंड वाहियात रास्ता है ये। सबसे पहला वाला रामपुर आटी है, अरे बाप रे। अब देखें यहाँ लंच वंच करते हैं, उसके बाद घर के तरफ निकलेंगे। ऑलमोस्ट घर के रूट में ही है लेकिन जो रास्ता है महावाहियात है, मतलब इतना घटिया रास्ता, हर 3 से 4 सेकंड के अंदर में मेरे को ब्रेक मारना पड़ा। ये तो हाल है रास्ता का। बैक टू कैलकटा और डिटूर बड़ा महंगा पड़ गया, फटियाल हालत हो गया। चाकदा से फिर मैंने रीरूट किया, रीरूट करके कल्याणी हुआ, कल्याणी से होते हुए कल्याणी एक्सप्रेस हाईवे देते हुए फिर कैलकटा घुसा वाया बिराटी। तो ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर का रूट हो गया बट मज़ा आ गया। हालत तो देख ही रहे हो क्या हाल हो गया। अभी बस घर के बाहर एक क्या बोलते हैं मिठाई का दुकान है, वहाँ रुक के कुछ लेके जाना था घर। हालत ख़राब हो गया तो पॉकेट का मेहनत वैसी हो गया,
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर कर दोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी तो आपके ऊपर है, अच्छा लगा तो देख लेना। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड टेक केयर। Playing.